अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोगों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सन टैन रिमूविंग टिप्स, यानी कि किस तरह आप सन टैन से निजात पा सकते हैं। सन टैन के बारे में आपको बताते चलें कि बाज़ुका गर्मी में इंसान के अक्सर जिस्म का वो हिस्सा जो ढका ना गया हो गर्मी की शिद्दत की वजह से झुलस जाता है या फिर काला हो जाता है। कुछ लोगों को सन टैन बहुत पसंद होता है लेकिन कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। सन टैन की वजूहात में शामिल है कि गर्मियों में टी शर्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं मर्द हजरात और औरतें हाफ स्लीव वाली कमीजें यूज करती हैं जिसकी वजह से उनके बाजू काले हो जाते हैं। बाजुओं का रंग इंसान के बाकी जिस्म के हिस्से से अलग ही नजर आने लगता है जो कि बहुत बदनुमा लगता है। उसके अलावा सन टैन आपके चेहरे पर भी हो जाता है, आपकी गर्दन और आपके हाथों का रंग भी काला कर देता है सन टैन। तो अगर आप चाहते हैं कि सन टैन की वजह से आपके जिस्म का कोई हिस्सा काला ना रहे, आपके जिस्म के उस हिस्से का रंग बाकी जिस्म के रंग जैसा हो जाए, तो आप जो हम आपको नुस्खे बताने जा रहे हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। सबसे पहले नंबर पर कोशिश करें कि गर्मियों में जब आप घर से बाहर निकलें तो सनस्क्रीन का यूज करें। ये आपको सूरज की मुजर असरा छुआओं से बचा कर रखते हैं। अब सूरज की मुजर असरा शुआएं आपके चेहरे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती हैं। सूरज की नुकसानदेह शुआ की वजह से आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ सकती हैं और इसके अलावा ये आपके जिल्द के कैंसर का भी बास बन सकती हैं। तो अगर आप घर से बाहर निकलें तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी अच्छी सी कंपनी का सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। आप आलू के कच्चे स्लाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो कि आपकी जिल्द के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप आलू के कच्चे स्लाइस को इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपको सन टैन से निजात दिलाने के लिए मददगार साबित हो सकता है। आलू के कच्चे स्लाइस को लेकर आप अपने जिस्म के उन हिस्सों पर लगा सकते हैं जो इससे आपके सन टैनिंग की वजह से काले हो चुके होते हैं। 2 से 3 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करने से आप सन टैन से मुकम्मल तौर पर निजात पा सकते हैं। उसके अलावा जौ का आटा, दही और टमाटर के जूस को मिक्स करके गर्दन, चेहरे और बाजू या उन हिस्सों पर जिन हिस्सों पर सन टैन असर कर चुका हो उन हिस्सों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इन तीनों जूसों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मुतासर हिस्सों पर लगा लेना है और लगाने के बाद आपने 20 मिनट तक उसे लगा रहने देना है और 20 मिनट के बाद अपने उन हिस्सों को ठंडे पानी से धो लेना है। ये भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है सन टैन से निजात पाने के लिए। उसके अलावा तीसरे पर बात आती है कि दही, शहद और हल्दी, इन तीनों चीजों को मिक्स करके जो आपको पेस्ट बनेगा उसे आप सुबह और शाम इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सन टैन से निजात पा लेंगे। उसके अलावा आपको एक और तरीका बताने जा रहे हैं जिसको इस्तेमाल करके आप सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर अंदर अपने सन टैन से निजात पा सकते हैं। नुस्खा बनाने के लिए आपने करना ये है कि आपको जिन चीजों की जरूरत है, आपको चीनी चाहिए 1 खाने का चम्मच, 1 लींबू चाहिए, दही 1 खाने का चम्मच चाहिए, टमाटर आधा चाहिए और बेसन चाहिए 1 खाने का चम्मच और साथ ही साथ आपको चाहिए एलोवेरा 1 खाने का चम्मच। आपने सबसे पहले करना यह है कि चीनी में लींबू का रस डालकर मिक्स कर लेना है। इनको मिक्स करने के बाद अपने अपने हाथों को या उन हिस्सों पर जहाँ पे आप सन टैन से निजात पाना चाहते हैं उन हिस्सों को अपने अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद आपने उन्हें साफ कर लेना है और साफ करने के बाद ये जो मिक्सर होगा चीनी का और नींबू के रस का, आपने इसको अपने हाथों की मदद से उन हिस्सों पर लगाना है और लगाने के बाद 5 मिनट तक मसाज करते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म का वो हिस्सा नरम और मुलायम होना शुरू हो जाएगा। जब आपको ऐसा लगे कि आपके जिस्म का वो हिस्सा नरम और मुलायम होना शुरू हो गया है तो आप उसे धो सकते हैं ठंडे पानी से। ठंडे पानी से धोने के बाद आपने करना ये है कि 1 प्याली में बेसन, दही, शहद, लींबू का रस और 1 चम्मच एलोवेरा जेल शामिल कर लेनी है और इन सबको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये जो मिक्सचर बनेगा आपने इसे उन हिस्सों पर लगा लेना है जिन हिस्सों पर आप सन टैनिंग से निजात पाना चाहते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद आपने उन हिस्सों को ठंडे पानी से धो लेना है। इस तरह आपको अपनी स्किन फ्रेश नजर आने लगेगी और आपको फौरी तौर पर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसे लगातार 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करते हैं तो आप मुकम्मल तौर पर सन टैन से निजात पा लेंगे। तो दोस्तों ये थे चंद नुस्खे जिनको इस्तेमाल करके आप सन टैन से निजात पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा जो काला हो चुका है सन टैनिंग की वजह से, अगर आप चाहते हैं कि उस हिस्से का रंग बिल्कुल वैसा ही हो जाए जिस तरह पहले था, तो आप इन नुस्खों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे ही मदीद ब्यूटी टिप्स वाली वीडियोस मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, हमें दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।